नमस्कार, आप हैं द खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं बेग। हाजिर हैं बिदसा पठारी की खबर के साथ। सन 1998 से फरार चोरी का आरोपी पुलिस गिरफ्त में। विदिशा के गंज बसौदा जनपद के रजौदा गांव निवासी सत्तार खान आयु 45 वर्ष पर लगभग 22 वर्ष पूर्व चोरी के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस की पकड़ से दूर था। गौरतलब है कि उक्त आरोपी पर पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। देहात थाना प्रभारी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई थी कि आरोपी सतपाड़ा हाट चौकी अंतर्गत अपनी ससुराल में निवासरत है, जिस पर प्रभारी द्वारा पुलिस टीम गठित कर आरोपी की धरपकड़ की गई और उसे पेश किया गया। जानने के लिए देखिए विदिशा के रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। सो सर फरार था और कौन से मामले का आरोपी? ये सत्तार खान पिता भूरे खान था, निवासी राजौदा गांव का था। ये करीब 26 साल पहले एक चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद से ये फरार हो गया था। कोर्ट द्वारा इसके खिलाफ 98 से वारंट जारी था चोरी का, और काफी दिन से ये बाहर क्षेत्र में गए रहा था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया था। इसकी सूचना प्राप्त हुई कि ये गांव है नट वाला गांव है, सतवाड़ा चौकी के पास है, वहाँ ससुराल में रह रहा है। इस सूचना पर जाके वहाँ जाके इसको रात में दबिश देकर पकड़ा गया और गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया।